मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 5 दिन तक घने कोहरे का जताया जा रहा है अनुमान। कड़ाके की ठंड भी पड़ सकती है और साथ ही कोहरा छाए रहने की आशंका जाहिर की जा रही है। बड़ी जानकारी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगले पांच दिन तक ज्यादा ठंड पड़ सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली और हरियाणा में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार ठंड पड़ रही है, 5 दिन तक घने कोहरे का जताया अनुमान और कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा छाने की आशंका जाहिर की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दिल्ली हरियाणा में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो लगातार मौसम बिगड़ता जा रहा है, मौसम ठंड होता जा रहा है, ठंडी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है। और वहीं अगर बात करें, विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है, घने कोहरे की वजह से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होंगे। बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल्ली और हरियाणा में लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों में घने कोहरे देखने को मिल सकते हैं। बहुत जगह तो ऐसे देखे जा रहे हैं जहां पर विजिबिलिटी बहुत कम होती जा रही है और इस दरमियान लगातार ठंड की वजह से अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यातायात व्यवस्था की बात करें विजिबिलिटी कम होने की वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, अब बताया ये जा रहा है कि लगातार मौसम विभाग ने ये चेतावनी भी जारी की है और आपको भी प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तो बड़ी जानकारी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लगातार मौसम बिगड़ता जा रहा है, ठंडी बढ़ती जा रही है और वहीं कोहरे की वजह से अब विजिबिलिटी कम हो रही है, यातायात प्रभावित हो रही है। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं, आवागमन की व्यवस्थाएं वो सुचारू रूप से लागू चल नहीं पा रही है। अगर ट्रैफिक के नियमों की बात करें तो विजिबिलिटी इतनी कम हो रही है कि यातायात पर ब्रेक लगा हुआ है। वहीं घना कोहरा होने की वजह से ट्रेनों के आवागमन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कैथल से हमारे सहयोगी मनोज मलिक और हिसार से हमारे सहयोगी जुड़े हैं अमित। तो अमित, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि क्या है मौसम का ताजा अपडेट। अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए मनोज मलिक आपके पास आना चाहेंगे कि क्या है ताजा अपडेट। बिल्कुल ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कड़ाके की ठंड को लेकर और जो कोहरे का पैरा गोल लगातार जारी है, आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें तो कड़ाके की ठंड और जो कोहरे का कहर है उसको लेकर बुजुर्गों की बात करें या बच्चों की बात करें तो काफी परेशानियों का सामना इन बुजुर्गों को और बच्चों को करना पड़ रहा है। लगातार ठंड, कड़ाके की ठंड लगातार चल रही है और मौसम विभाग द्वारा भी 5 दिन की ओर चेतावनी दी गई है कि 5 दिन और लगातार ठंड और कोहरा लगातार जारी रहेगा। और ठंड के लेकर अगर हम बात करें तो इसमें जो बीमारियों का जो इजाफा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बात करें कैथल के, तो कैथल में लगातार ओपीडी की अगर हम बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल की तो लगभग 1100 ओपीडी रोजाना देखी जाती थी, लेकिन कड़ाके ठंड को लेकर जो इन्फेक्शन की बात करें, खांसी की बात करें, जुकाम की बात करें और जो ऐसी ऐसी जो बीमारियां है वो ठंड के कारण आम आदमी को और बच्चों को लगातार हो रही है। बात करें दमा की तो जो कोहरे का कहर है उसको लेकर जो दमा के रोगी है, जो इन्फेक्शन के रोगी, उनको काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उसी को लेकर लगातार बीमारियों का इजाफा होना एक ठंड का एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। इसी को लेकर बात करें जो लगातार रिएक्शन लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई भी अपना साथी ना खोए, कोई भी परिवार अपना माँ बाप और बच्चे ना खोए, इसी को लेकर प्रशासन द्वारा भी जो तैयारी है वो लगातार ठीक है। अमित, ठीक है अमित, आपके पास आना चाहूंगा, कैसी है स्थिति? जी ठंड की बात किया जाए, ठंड आज 2 दिनों के वैसे आज कम लोगों को कम साथ मुसीबत हुए क्योंकि अब लगातार 2 दिन से लगातार बादल वायु हुई हुई है जिसके कारण ठंड काफी कम है। और यहाँ की तापमान की बात किया तो लगभग 10 डिग्री के आसपास का तापमान रिकॉर्ड का बना हुआ है। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वहीं रैन बसेरों की जो व्यवस्था की बात सामने आ रही है, क्या दुरुस्त व्यवस्था है या लचर व्यवस्था देखने को मिल रही है?
अभी हिसार जिले की बात करें तो रैन बसेरों की व्यवस्था का आलम अभी तक कुछ भी नहीं बना हुआ है। अभी तक हिसार की प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों का कोई प्रबंध नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग खुले पर मजबूर होने पर मजबूर है। लगातार लोगों की शिकायतें भी आ रही है की रैन बसेरों का प्रबंध किया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोग खुले पर रहने पर मजबूर और होने पर मजबूर है। क्योंकि लगातार दो दिन से अब कुछ ठंड में रात मिली, लेकिन एक हफ्ता पहले तो लगातार ठंड पड़ी है, उसकी वजह से लोग काफी बीमार भी हो रहे थे और जिसकी वजह से रैन बसेरों की मांग बढ़ी थी, जिसके बाद भी प्रशासन ने इस पर और कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ठंड का लोग अभी भी खुले पर सोने पर मजबूर है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठंड बढ़ती जा रही है, प्रिकॉशन आप लीजिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे।